साथियों, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा पाप होता है अपनी जनता का भरोसा तोड़ना। और यहां की राज्य सरकार ने तेलंगाना के लोगों का भरोसा चकनाचूर करने का पाप किया है। कितनी सारी उम्मीदें लगाई थी आप लोगों ने, लेकिन हर उम्मीद को तेलंगाना सरकार ने तोड़कर रख दिया। यहां की सरकार अच्छी तरह जानती है कि पिछले 9 साल में उसने तेलंगाना के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। उसने राज्य में एक के बाद एक भर्ती घोटाले करके यहां के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। तेलंगाना आंदोलनों के वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि हम यहां लाखों भर्तियां करेंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आपको इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही दिया है। तेलंगाना में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल चल रहा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्कैम के बारे में कौन नहीं जानता है? पिछले 9 वर्षों से तेलंगाना के लाखों नौजवान सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां की सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने नेताओं की तिजोरी भरने का माध्यम बना दिया है। साथियों, तेलंगाना की 12 यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन को तबाह करके यहां की सरकार ने लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज भी तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में 3000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। आज भी तेलंगाना की सरकारी स्कूलों में टीचर्स की 15000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है। क्या ये इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? धोखा नहीं है क्या? इन लोगों ने आपसे वायदा किया था कि हर बेरोजगार को 3000 रुपये का भत्ता देंगे। ये वायदा करके भी तेलंगाना सरकार ने नौजवानों को सिर्फ धोखा दिया, विश्वासघात किया। इन लोगों ने आपसे वायदा किया था कि गरीबों को 2 बेडरूम वाले 7 लाख फ्लैट बनाकर देंगे। ये वायदा भी यहां की सरकार पूरा नहीं कर पाई है। ये लोग किसानों के 1 लाख रुपया तक के कर्ज को माफ करने की बात भी कहा करते थे, लेकिन इस वायदे पर भी इनकी सरकार ने तेलंगाना के लोगों को सिर्फ विश्वासघात ही दिया है।